हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी एक वेब सीरीज जिसका नाम है द सोसाइटी। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी और इसमें टोटल आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 48 मिनट से लेके बस एक घंटे के है। ये इसका रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था, तो फाइनली मैंने उनकी ये डिमांड भी पूरी कर दी है। और इंसान डिमांड उन्हीं की पूरी करता जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, और आप सभी लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो। और इसी बात पर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर कर देना। खैर, बात करेंगे सीरीज के प्लॉट की। तो इस सीरीज की कहानी शुरू होती है वेस्ट हैम नाम का एक टाउन है, जहां पर रहने वाले लोगों को कुछ अजीब तरीके की स्मेल आती है और इन लोगों ने स्मेल से छुटकारा पा लिया, लेकिन अब ये स्मेल दोबारा से आने लगी है। खैर, कहानी में ट्विस्ट तब आता जब इस टाउन के एक लोकल स्कूल है जहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स एक ट्रिप के लिए 10 दिन के लिए टाउन से बाहर जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनको अपने टाउन वापस आना पड़ता है। लेकिन आने के बाद इनकी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है, बेसिकली ये इस पूरी सीरीज की कहानी है। खैर, बात करते हैं सीरीज के कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर स्पॉयलर्स तो नहीं है, मगर मैं आपको हिंट दे दूं, वो ये है कि अगर मान लो कि आपको एक टाउन में भेज दिया जाए जहां पर चारों तरफ से जंगली जंगल है और बीच में आपका टाउन है, और आप लोग ना ही किसी से कम्युनिकेशन कर सकते, यानी कि आपका इंटरनेट भी नहीं है और ना ही आप किसी को फोन कर सकते हो। बेसिकली उस टाउन में जितने लोग हैं बस आप उन्हीं को फोन कर सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो कि बाहरी दुनिया से आपके सारे कनेक्शन खत्म हो चुके हैं और आप उस टाउन से बाहर नहीं जा सकते, और आपके पास उस टाउन में जितनी भी ग्रोसरी स्टोर से यानी जो भी खाने पीने की जगह है बस वहां पे लिमिटेड अनाज या लिमिटेड चीजें भरी हुई है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तो आप लोग उस टाउन में सरवाइव कैसे करोगे, बेसिकली ये पूरी सीरीज इसी पर बेस्ड है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें है जो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, भाई सॉरी भाई माफ कर देना। उसके अलावा बात करेंगे इस शो के कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनको मेकर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है, लेकिन इनको डेवलप करने के चक्कर में सीरीज काफी स्लो हो जाती है। उसके अलावा इस शो में जो जो सिचुएशंस बताइए उस सिचुएशंस को भी क्रिएट करने के लिए मेकर्स ने अच्छा खासा टाइम लिया है। उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी काफी इम्प्रेसिव है, जो आजकल के जो यंगस्टर है जो टीनेजर्स है उनको ये शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। उसके अलावा शो की अगर बीजीएम की बात करें तो वो इतना ज्यादा इम्प्रेसिव मुझे पर्सनली नहीं लगा, हालांकि अगर मेकर्स चाहते तो कुछ ऐसे सीन थे इस सीरीज में जहां पर बीजीएम के थ्रू एक टेंशन क्रिएट किया जा सकता था, तो कहीं ना कहीं बीजीएम थोड़ा डिसअपॉइंट करता है इस सीरीज का। अब बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो जितने भी एक्टर्स थे सभी लोगों ने अपने हिस्से का काम बहुत ही अच्छी तरह से किया। मतलब यहाँ पर उन लोगों को देखकर एक चीज तो अच्छे से समझ में आ रही थी कि काफी वेल प्रिपेयर्ड एक्टर्स है और उनको पता है कि वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं, इसी वजह से हमें कोई भी एक्टर ओवर एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आ रहा था। बात करेंगे शो की नेगेटिव पॉइंट्स की, तो वो ये है कि शो की जो स्टार्टिंग के 3 एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, इतने ज्यादा स्लो है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से वहीं पे मर जाता है। लेकिन अगर आप 3 एपिसोड की एंड तक पहुंच जाते तो वहां पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है, और उसके बाद सीरीज में धीरे धीरे जो प्रोग्रेशन देखने को मिलता है और जिस तरीके से उसके बाद ट्विस्ट आने लगते हैं वो आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से बनाए रखते हैं। और दूसरी जो इस शो की नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके एपिसोड्स की लेंथ। वो यार एक एक घंटे के जो एपिसोड्स होते हैं ना वो इतना आसान नहीं है देखना, और अगर एपिसोड इतने स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं तो वो थोड़ा आपको और बोर कर देती है। और एज इंडियन ऑडियंस जब से टिकटॉक देखना लोगों ने शुरू किया तो लोगों के जो पेशेंस है वो खत्म हो चुका, मर चुका है। लेकिन अच्छा हुआ कि टिकटॉक खत्म हो गया, क्योंकि लोग 15 सेकंड से ज्यादा कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे, और आज की तारीख में इंडियन ऑडियंस को ये शो देखना थोड़ा सा परेशानी डाल सकता है। लेकिन ये शो इतना कह सकता हूं कि एक वर्थ वॉच है। बात करेंगे शो की सबसे बुरी खबर की, वो ये है कि इसका सीजन 2 कैंसल हो गया है, और अनफॉर्चुनेटली सीजन 1 में जो जो क्वेश्चन थे जिसका आंसर अभी हमें नहीं मिला है तो अब वो हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सीजन 2 आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ थ्योरी ही लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर इसका सीजन 2 आता तो यार बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये उन शोज में से जो वाकई में सीजन 2 डिजर्व करता है। यार आप एक अच्छे शो को इस तरीके से खत्म करोगे वो सोचा नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो मैंने सिर्फ आप ही लोगों के लिए सीरीज को देखा हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर देना। पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि ये शो टीनेजर्स लोग के लिए बनाया गया, तो इसलिए आपको पार्टी, ड्रग्स, सेक्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी इस शो में। तो इस हिसाब से ये फैमिली के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 3.5 out of 5। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, जो साथ ही नोटिफिकेशन बेल है उसे कर देना प्रेस, और मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, कुछ ना कुछ आपके काम के वीडियोस इसमें मिल ही जाएंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, और इस वेब सीरीज के लिए तो एक ही बोलूंगा कि भाई देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।